हे हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइक हॉबी के अंदर। ओए मुन्ना, ये क्या, ये किसकी गाड़ी उधार ले ली? अरे भैया, ये गाड़ी उधार नहीं ली है, ये गाड़ी मेरी है भैया। ऐसा लग रहा है बाइक के ऊपर गधा बैठा है। अच्छा भैया, ये बात है गाइस, और मेरी बाइक तो देखो कैसी लग रही है। ये भैया, ओए बहुत ही बकवास लग रही है मुझे। अरे भैया तुम तो भूल गए। ओके गाइस, भैया की बातों को करते हुए इग्नोर, मैं यहाँ पे आगे जा रहा हूँ। अरे बाप रे गिरा। ओके ओए मुन्ना, ऐसे गिरेगा नूब की तरह? बड़ा है भैया बोले वाले, खुद तो डर के माले भैया रेस करने नहीं आते हो। ओए मैं आ गया तो भाई मचा दूंगा ट्रैक पे। ओए इसीलिए नहीं आ रहा ना। भैया तुम्हारी तो पहले ही डरते हो ना, इसीलिए नहीं आते हो। गाइस भैया तो डर के माले आते ही नहीं ट्रैक पे। और जो आता उसे डीमोटिवेट करते है। ओए तुझे डीमोटिवेट करने की क्या जरूरत है, पहले से तू डीमोटिवेट पड़ा है। आया बड़ा। ए भैया बहुत बेइज्जती कर ली मेरी तुमने। ये हो गए गाइस, सर यहाँ पे उड़ते फुड़ते ये पहुंच गया मैं आगे भैया। ओए अरे बाप रे क्या कर रहे हैं ये भैया, ये देखो सिंपली सिंपल। ओए इससे पड़ेगा तेरे को, बहुत हो गया मुन्ना, जाने वाला है तू नीचे। अरे यार मनुष्यत तो मत लगाओ कम से कम भैया। ओए ये देखा ना, मजा आ गया देख के। ए दोस्तों बहुत हो गया, मैंने यहाँ पे बाइक चेंज कर ली अपनी। वो मोटी वाली बाइक से कुछ ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन मजा गाइस इस वाली साइकिल से आता। अरे ये क्या काट डाला मुझे। ओए प्याज की तरह तुझे छील दिया मुन्ना। ए भैया प्याज की तरह छीला, लेकिन भैया अरे ब्रेक लग रही थी लेकिन आगे गिर गया। ओए नूब लगता है तू यहीं अटका रह जाएगा, तेरे से पार नहीं होगा ये। अरे भैया देखो कैसे पार नहीं होगा, अभी देखना भैया कैसे पार करता हूँ मैं। ये देखो भैया ऐसे। ओए ये पड़ा, अबे नीचे गया गया गया। अरे बाप रे बाप। ये भैया तुम एक मिनट भाई बोलना बंद करोगे, मुझे डिस्टर्ब कर रहे भैया। ओए आया बड़ा, नूब की तरह खुद गिर रहा है और मेरे को ब्लेम कर रहा है। अरे भैया तुम्हें ब्लेम नहीं, तुम्हें फ्लेम कर दूंगा, अभी चुप रहोगे। ओके गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रख के ये। ओके ये हुई ना बात, भैया थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। ओए बहाने लगा रहा है, मुझे बोल रहा है खुद से पार हो नहीं रहा है। अरे भैया चुप रहोगे। ये वाला तो इसी था फाइनली गाइस, यार यहाँ पे 17% अपन ने कंप्लीट कर दिया है। और भैया की बातों को करते हुए इग्नोर, नो। ओए मेरी बातों करते हुए इग्नोर और सीधा लावा में गिरते हैं। ये सही था। ए भैया फिलहाल तो गाइस यार यहाँ पे जंप लगाना है मुझे। ये हुआ सेफ। और इधर से अरे यार थोड़ी सी स्पीड कम रह गई। ए ओके गाइस यार यहाँ पे स्पीड सही है फिलहाल, ये स्पीड वाली ठीक है। ओके गाइस यार यहाँ पे जंप पे बहुत बढ़िया। अरे नहीं रुक जाओ, सामने नाइफ है। ये इस नाइफ को डॉज करके, इधर से डॉज करके भैया। ओए मुन्ना जंप पे जंप लगा दे भैया, मैंने जंप तो लगा दी। अरे फिर से नीचे गिर गया। ओके गाइस कोई नहीं, इसमें गिरना तो चलते रहता है, गिरेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे भैया। ओए मुन्ना सही कहा, गिरना तो तेरी पहले से फितरत है। आया बड़ा। ए भैया तुम्हें तो बेइज्जती के अलावा कुछ आता भी है क्या? ओए तेरी हरकतें ऐसी कि बिना पंच मारे मुझे रहा नहीं आता तेरे पर। हाँ भैया बड़ा पंच मार रहे हो ना, मैं भी पंच मारूंगा ना फिर बताऊंगा तुम्हें। ओके गाइस यार यहाँ पे इसके ऊपर से यहाँ पे सीधा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओके ओके ओके। ओए मुन्ना क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तूने इतनी जल्दी 20% कंप्लीट भी कर दिया। भैया आके को खोल के देखो 33% भैया। ये ओए संभल के गया। अरे गया अब तो गया नीचे। अरे भैया कैसे गिरूंगा, मनुष्यत मत लगाओ यार। ये देखो भैया, अरे ये क्या गाइस यार यहाँ पे तो लव है तो मुझे सेंटर में ऐसे जाना है। अरे बाप रे बाप। यहाँ पे ट्रैम्पोलिन लगा रखा है तो थोड़ी स्पीड को अपन मैनेज करके चलेंगे, ट्रैम्पोलिन से जंप करके सीधा आगे। और यहाँ पे ये मैं आ गया और मुझे चेक पॉइंट मिल चुका है। ये भैया ओए मुन्ना क्या बात है, फुल स्पीड में ओए नीचे गया ले। ये दोस्तों 30% तो अपन ने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आगे के स्टेज और भी ज्यादा टफ होने वाले भैया। ओए मुन्ना आगे के चेक पॉइंट तो और भी खतरनाक होंगे। अरे भैया सही कहा, लेकिन फिलहाल भैया मैं बन चुका हूँ प्रो और मैं इसे बहुत ही आसानी से पार कर दूंगा। ये देखो भैया ऐसे ओए लावा है। अरे भैया लावा को भी एक बार में मैंने पार करा, लेकिन गाइस ये क्या, मैं तो नीचे गिर गया भैया। ओए मुन्ना क्या बात है। अरे या ये मैन ये मैन। ए भैया ओए बहुत ही बढ़िया, यो ब्रो यो ब्रो। अरे ओके गाइस यार यहाँ पे थोड़ा सा आराम से, ये वाला तो आराम से निकल गया भैया। ओए 439%।
क्या बात है मुन्ना, भैया देख रहे हो ना कितना ज्यादा गाइस यार, यहाँ पे वर्ल्ड अपना 8 एंड आई थिंक 7 चल रहा है यार, लेकिन अपन के सामने ये कुछ भी नहीं भैया। ओए मुन्ना नाइफ है भैया, नाइफ से बच के भैया देखो ऐसे ये। ओए क्या बात है मुन्ना, फुल प्रो हो गया है। अरे भैया ये भैया, जब जब तुम कुछ बोलते हो ना तब तब मैं नीचे गिर जाता हूँ यार, तुम्हारी मनुष्यता ही कुछ ऐसी है। ओए ये क्या है, मुझे ब्लेम करना तो बंद कर दे, खुद नूब की तरह गिरता है और मुझे बोलता है। अरे यार नीचे गिर गया फिर से मैं। ए चलो कोई नहीं, गिरना पड़ना रहता है गाइस, मेन ये रहता है कि हम इस हॉबी को पार कर पाते कि नहीं। एक बार जो चैलेंज मैंने ले लिया ना भैया, तो मैं उस चैलेंज को पार करके रहता हूँ। और अभी फिलहाल कैसा लग रहा है भैया, यहाँ पे मुझे ऐसे सेफ जाना है। ये ओके गाइस यार यहाँ पे, अरे बाप रे बाप, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। ओए मुन्ना जमकर जमकर, अरे भैया मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। ओके गाइस यार यहाँ पे ये, ओ नो। ओए क्या हो गया, अरे भैया ये बीच में जो है ना ये ब्रेक लगाता और फेंक भी देता सामने से। ओए उसके सामने टक्कर करेगा तो यही होगा। ए फाइनली गाइस यार यहाँ पे तो बाल बाल बचा, और यहाँ से यार ये थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। ए रुको रुको, थोड़ा सा पेशेंट रुके। ओ यार वैसे बाइक, यार ये वाली बाइक मुझे सबसे बढ़िया लगती है। क्योंकि गाइस मेरा इस बाइक पे कंट्रोल काफी अच्छा बैठ चुका है, जिसके बाद यार मुझे कोई और बाइक अच्छी नहीं लग रही है। मुझे मेरे लिए तो यही भैया सुपर बाइक है। ओए मुन्ना सुपर बाइक है तेरी, खटारा सी ट्रेन का टप्पर बाइक है। अरे भैया चाहे जो बोलो, लेकिन गाइस यार आप लोग भी अगर हॉबी खेलते होगे तो आपको पता होगा कि आप एक बाइक से जिससे प्रैक्टिस कर लो ना तो उस पे ही ज्यादा मजा आता है। ए भैया उसके कंट्रोल हमें ज्यादा भैया समझ आते हैं। ओए समझ गया। ए भैया तो फिलहाल मुझे इस बाइक की हैंडलिंग काफी अच्छी है, और यहाँ पे भैया मैं इस बाइक को अच्छे से कंट्रोल भी कर सकता हूँ, और जो मेरे पास नई वाली बाइक है ना भैया, उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा अभी भी, थोड़ी भारी सी लग रही है। ओए वैसे स्टंट के लिए तो भारी बाइक तो होती नहीं मुन्ना, ये भैया सही कहा, वो बुलेट की तरह लग रही है, लेकिन गाइस स्टंट के लिए तो हल्की बाइक के होनी चाहिए, जैसे कि मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ। ओए स्टंट बाइक मुन्ना हल्की तो होती है, ये भैया सही कहा। अरे यार ये क्या, इस पे टायर मेरा फिसल गया। वैसे गाइस मैं बहुत ही ज्यादा आराम से जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे टायर फिसल गया मेरा। एक काम करते हैं, जंप करके जाऊंगा। ओए जंप कर मुन्ना। ए दोस्त ये कौन निकला भाई साहब, ऊपर देखो यार। ओए मुन्ना वो तो लगता है, ए दोस्त उसने बहुत सारे यार पता नहीं एक बैन बंदा था कि हवा में उड़ के निकल गया यार, ये कैसे हो सकता है। ओए उसने फ्लाई बाय कर लिया होगा। अरे भैया तो मतलब क्या है यार अभी पार करने का। आखिर तुमने चैलेंज को भैया फेस नहीं करा, बस जंप करके उछल के पहुंच गए डायरेक्ट विनिंग लाइन पे, तो मतलब ही क्या बनता है भैया मुझे ये बताओगे। ओए ठीक बोल रहा है तू ऐसे। ए भैया बिना पेपर दिए तुम्हें मार्क्स मिल जाए गाइस 100 नंबर के, तो मजा ही क्या आएगा भैया। ए तो वही बात है ना। ओए ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे ये बता तो सुपर बाइक कब लेगा। अरे भैया मेरे पास सुपर बाइक है, तो अभी मैंने तुम्हें सुपर बाइक ही तो दिखाया था स्टार्टिंग में, वो क्या था। ओए सुपर बाइक तो ठीक ही थी, लेकिन उससे खतरनाक वाली। ओए तू तो फिनिक्स वाली बाइक यूज करने वाला है ना भैया, फिनिक्स बाइक है यही मेरी, फिनिक्स है भैया। ए गाइस जर अपनी फिनिक्स बाइक यही है। ओए मुन्ना फिनिक्स बाइक तो खरीद भी नहीं सकता, फटीचर कहेगा। ए भैया मेरे पास रोबक्स नहीं है, तो मुझे तुम बेइज्जती करोगे क्या। ओए करूंगा। ए दोस्तों रोबक्स नहीं है तो क्या भैया मेरी बेइज्जती करेंगे। क्या लगता है आपको, चलिए से कमेंट में बताओ यार। ए कौन कौन आ रहे। ओए मुन्ना रोबक्स नहीं तो मुन्ना कोई भी पसंद नहीं करेगा तेरे को। अरे ऐसी बात है क्या। ओके गाइस यार यहाँ पे मेरे पे बाइक सुपर बाइक बाय करने के लिए रोबक्स नहीं है, लेकिन फिलहाल भैया मेरे दोस्त फिर भी मुझे पसंद करेंगे। ओए मुझे नहीं लगता। ओए जीरो रोबक्स वाले को कोई पसंद नहीं करता है भैया, मैं देखना लेके रहूंगा। गाइस यार यहाँ पे ट्रॉफी हम अपनी अर्न करेंगे, और उसके बाद एक ना एक दिन भैया सुपर बाइक लेके रहूंगा। फिलहाल गाइस मैंने यहाँ पे भी जो सुपर बाइक लिया ना, वो यार ये सीजन में मिली है, लेकिन मिली नहीं, मैंने उसे बाय करा है। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है गाइस यार, सीधा स्ट्रेट जाना और सीधा हवा में उड़ जाना है, और उसके बाद मैं नीचे गिरा और नीचे सीधा। ओए मुन्ना लावा का वो जो लगा ना उसमें जल गया तो ये है। अरे यार भैया ऐसे कैसे हो सकता है गाइस यार, यहाँ पे ऐसे गया फिर ऐसे गया, अरे फिर भिड़ गया। ओए ऐसे फिर सीधा नीचे उसमें। अरे भैया अभी मुझे पता है कैसे पार करने से, मेरे पास आके आइडिया आ गया भैया। उससे पहले मुझे इस साइड जंप करना है, और गाइस यार यहाँ पे ऐसे करके देखो भैया ऐसे।
ओए ठीक है, फिलहाल तो मजे आ रहा है गाइस, ऐसे जंप कर करके निकलना है यहाँ पे। एक बार इधर और एक बार इधर, भैया ऐसे कुछ पार हुआ ये मेरा स्टेज। ओए बॉस ए फाइनली गाइस, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे भैया। ओए जो भी छोटे छोटे से पार्ट्स आते हैं ना, अरे यार मुन्ना तू तो पार ही कर लिया था। ए दोस्तों मैंने पार तो कर लिया था लेकिन सामने वाले ने मुझे धो डाला। ओए उसकी पोजीशन सही जगह लगाई है ये जो थ्रो करने वाली है। हाँ भैया सही कहा। लेकिन कोई नहीं गाइस, अपन ने फिर भी पार कर लिया। अरे मुक्का नहीं मुक्का नहीं। ओए स्पीड तो काफी सही थी, 85% पे आ गया मुन्ना। ए अरे यार फिर से स्पीड कम हो गई। फिर से ट्राई करेंगे भैया, यार नहीं मानने का गाइस, ट्राई करते रहना चाहिए लाइफ में और गेम में भी। ओए मुन्ना सही कहा। ए दोस्तों फिलहाल यहाँ पे ट्राई तो कर रहा हूँ, मैं गिरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं भैया, मैं इस बार डिफीट हुआ दोबारा ट्राई करूंगा। ओए कितना ट्राई करेगा, पका रहा है मुझे ट्राई कर करके। अरे भैया तुम चुप रहो। ओके गाइस यार फाइनली देखा ना, एक बार तो भाई पार हो ही जाता है, बार बार एक ही चीज को करो तो फिर वो आसान लगने लग जाती है। ए भैया जैसे कि मैं यहाँ पे, ओए गया नीचे बच गया। ए भैया तुमने मेरी बाइक को कम समझा है क्या? भैया मेरी बाइक की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें लगता है क्या? ए दोस्तों इस बाइक की स्पीड के साथ में इसके ब्रेक वगैरह भी काफी मस्त है भैया। ओए नीचे गिर गया मुन्ना। ए रुको रुको यार, मुझे पता है इसको ऐसा पार करने का फिर ऐसा। ओए फुल पल्टी वल्टी मार रहे हैं मुन्ना। ए भैया सही कहा। फिलहाल गाइस यार यहाँ पे चॉप, अरे ये तो चॉप बोला, नाइफ सीधा फेस पे आ गया। ये भैया, ओए मुन्ना अबे ब्रेक कम मत रखियो, अबे गया गड्ढे में। अरे गिर गया। अरे यार भैया मैं पार ही कर लेता, तुम्हें बीच में टोकना जरूरी था क्या? ओए मैंने टोका क्या तेरे से, पार तो हुआ नहीं और आया बड़ा बातें करने वाला। अरे यार भैया कैसी बात कर रहे हो, अबे भैंसिया ये क्या मेरे साथ इसने किया। ए बम भोले ने मुझे उड़ा दिया भैया। ओए मुन्ना ये ले फिर चक्कू खा। अरे गाइस यार ये इतना टफ कैसे हो रहा है यार, ये भाई इतना ज्यादा इजी मुझे लग रहा था लेकिन यार ये क्या चक्कर है। कभी काल यार गाइस ऐसा होता होगा कि आपके साथ भी कोई स्टेज बहुत ज्यादा इजी हो लेकिन उसको पार करना उतना ही ज्यादा टफ हो जाता है, फिर बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला फ्रस्ट्रेशन होता है भैया। ओए मुन्ना ये ले गया। अरे बाप रे बाप, ये क्या पहुंचते पहुंचते नीचे गिर गया। ए दोस्त अभी तो बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई साहब यार, पहुंचते पहुंचते इस बम के भोले ने मुझे उड़ा दिया। ए फिर से उड़ा दिया। अभी तो मुझे मेरे पास टू स्किप है फ्री में लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं गाइस यार, यहाँ पे अगर नहीं होगा तो हम स्किप करते हैं। चलो यार एक स्किप कर ही लेते हैं भैया, टू स्किप पड़े तो। ओए मुन्ना आखिरकार तुझे स्किप करना ही पड़ गया ना। ए भैया आखिरकार स्किप मिला क्यों है, स्किप करने के लिए ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ए ओके ओके ठीक है मुन्ना, पंच से बस। ए दोस्तों यार इस वाले ट्रैक पे यार पंचेस ज्यादा है, मुझे यार ये नोटिस मैंने किया, पंचेस बहुत ज्यादा है। अरे आगे बढ़ते पंच पे तय दबा दब तय दबा पंच पड़ रहे। ओए मुन्ना बच बच। ए भैया बच के तो मैं फाइनली आगे आ चुका। ओके गाइस यार यहाँ पे ये लास्ट वन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मेरी तरह कौन कौन है जिसके पास यहाँ पे नॉर्मल बाइक है और वो सुपर प्रो है फिर भी। ओए मुन्ना प्रो बन रहा है बड़ा टट्टी से बाइक लेके। अरे भैया ये मेरे सबसे चक दे फटे बाइक है, मैं आया बड़ा बोलने वाले। ए ओए आया बड़ा। ए दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैलेंज के लिए।